श्री कुशाभाऊ ठाकरे वास्तव में राजनीति के बिरले व्यक्तित्व थे। वे सिर्फ 1979 के उपचुनाव में लोकसभा के लिए चुने गए थे। इसके बाद उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने और संगठन को ही सेवाएं देने का निर्णय लिया, किंतु 1980 का चुनाव उन्होंने फिर भी लड़ा क्योंकि वो समय की आवश्यकता थी। इस चुनाव में इंदिरा गांधी ने खंडवा में 3 दिनों तक डेरा डाल दिया। कांग्रेस ठाकरे जी की लोकप्रियता से भयभीत थी, इस कारण इंदिरा जी को आना पड़ा। ठाकरे जी 1942 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से जुड़े। इसके बाद 1977 में वे मध्य प्रदेश जनता पार्टी के अध्यक्ष बने और 1986 में पार्टी के महासचिव। लेकिन उन्होंने अपनी सेवाएं भारतीय जनसंघ में भी दी। वे अखिल भारतीय जनसंघ के राष्ट्रीय संगठन सचिव 1974 में रहे। ठाकरे जी 1998 में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। 1996 की एक बड़ी दिलचस्प घटना है। राजमाता विजया राजे सिंधिया अस्वस्थ थी और इस कारण से चुनाव नहीं लड़ना चाहती थी, लेकिन उन्होंने जो निर्णय लिया उससे राष्ट्रीय नेतृत्व सहमत नहीं था और उनके बार बार आग्रह पर भी केंद्रीय नेतृत्व ने असहमति जताई और कहा कि उन्हें चुनाव लड़ना होगा। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि ठाकरे जी तक से मैंने आग्रह किया, लेकिन उन्होंने भी मेरे आग्रह की अनदेखी कर दी, अतः मैंने पर्चा दाखिल कर दिया और मैं पूर्व के चुनावों की तुलना में 3 गुना अधिक मतों से विजयी हुई। इस प्रकार ठाकरे जी की दूरदृष्टि सफल रही और इस बात से राजमाता भी काफ़ी खुश थी। ऐसे ही निर्णय लेने में ठाकरे जी सक्षम थे और उन्होंने आगे भी इसी के अनुरूप फैसले लिए। पार्टी का हित उनके लिए हमेशा सर्वोपरि रहा। यही कारण है कि अटल जी ने उनके बारे में कहा कि वे जीवन भर अहर्निश सेवा महे के मंत्र को चरितार्थ करते रहे, वे अनथक यात्री हैं। आडवाणी जी ने उन्हें कर्मठ कर्मयोगी की संज्ञा दी, जबकि डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उन्हें सरहृदय निस्वार्थ और निराभिमानी कहा। सरसंघ चालक श्री मोहन भागवत कहते हैं कि उनका जीवन त्यागमय था और सभी को उनमें प्रभावित करने की अद्भुत क्षमता थी। इतना ही नहीं, कांग्रेस और अन्य पार्टी के नेताओं में भी वे काफ़ी लोकप्रिय थे और उनका सम्मान था। श्रीनिवास तिवारी जैसे दिग्गज नेता उन्हें भीष्म पितामह कहते थे और रघु ठाकुर जैसे समाजवादी ने तो उन्हें यहाँ तक कहा कि वे तो मेरे द्रोणाचार्य हैं। राजनीति के ऐसे अजात शत्रु महापुरुष ठाकरे जी का स्वर्गवास 28 दिसंबर 2003 को हो गया। यह उनका जन्म शताब्दी वर्ष है।